हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बारे में कि लो ब्लड प्रेशर जब होता है तो क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसके सिम्टम क्या होते हैं, और जब हाई ब्लड प्रेशर हो तब आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, और जब आप लोगों का ब्लड प्रेशर लो हो तब आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, और ये प्रॉब्लम आपको लॉन्ग टाइम तक नहीं हो तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो इस वीडियो में आज हम इन सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे। वेलकम टू माय चैनल PISNS। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर, जिसे उच्च रक्तचाप और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम भी कहा जाता है। इसमें हमारा खून गाढ़ा हो जाता है और हमारे दिल को पूरे शरीर तक खून पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 1 इंच का टुकड़ा लेना है अदरक का, उसको धोकर और छील लें। फिर आप लोगों को 3 से 4 कली लेनी है लहसुन की, उन लहसुन की कलियों को भी आप छील लें। और फिर उसके बाद आप लोगों को लेनी है 1 प्याज, उसको भी आप काट करके और टुकड़े टुकड़े कर लें छील कर। अब क्या करेंगे, आप इसका पेस्ट बना लें, यानी कि इसकी चटनी जैसी बना लें मिक्सी में, चाहे तो सिलबट्टे पर। और इसको आपको जिस टाइम आप खाना खाते हैं, किसी भी एक टाइम, चाहे लंच में, नाश्ते में या डिनर में, किसी भी एक टाइम इस चटनी का प्रयोग आपको खाने के साथ करना है। इसके साथ में आप लोगों को जो ये चटनी आप लोग बनाएंगे, इसमें आपको ना नमक ऐड करना है, ना मिर्च ऐड करनी है, और ना ही कोई चौथा इंग्रेडिएंट ऐड करना है। यही चीज़ें यूज़ करनी है आपको। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर हाई है वो धीरे धीरे करके नॉर्मल आने लगेगा, और जिस टाइम बहुत ज़्यादा हाई है उस टाइम आप लोगों को क्या करना है, 1 कप पानी लेना है और उसमें 1 नींबू निचोड़ कर और उस पेशेंट को तुरंत ही पिला दें, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा। साथ ही ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, जो कि आपको इस तरह से अपनी सारी उंगलियों को दबा एक साथ मिलाना है और फिर इनको ऐसे करके प्रेस करना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। तो आपको इस तरह से प्रेशर देना है, और जितना प्रेशर आप दे सकते हैं उतना प्रेशर दीजिए, तो इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो तुरंत ही ख़त्म हो जाएगी। एक तो एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये, और दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट आपके पैर में है। कहाँ पर, जो पैर का अंगूठा है और उसके बराबर वाली उंगली है, उसके जस्ट बीच में आपको सॉफ्ट और डीप प्रेशर देना है अंगूठे और उंगली की सहायता से 10 से 15 सेकेंड के लिए। 3 बार ये प्रेशर देना है आपको। तो इससे आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाएगी, जिस टाइम आपको हाई ब्लड प्रेशर है। तो ये चटनी आप 15 से 20 दिन खाएंगे अपनी रोटियों के साथ में, तो आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे करके नॉर्मल रहने लगेगा। तो इस तरह से आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इसके सिम्टम और बता देती हूँ कि इसके सिम्टम क्या होते हैं, कि आंखें बहुत ज़्यादा लाल होने लगती हैं, दर्द होने लगता है, और सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, यानी ये जो आपका फॉरहेड है ये दर्द करने लगता है बहुत ज़्यादा। तो इससे पता लगता है, चक्कर भी कई बार आ जाते हैं, तो इससे पता लगता है कि हाँ आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है। तो उस टाइम आप लोगों को ये सारे ही रेमेडीज़ अपनानी है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि लो ब्लड प्रेशर के क्या सिम्टम है। लो ब्लड प्रेशर में आप लोगों को चक्कर आते हैं, थकान फील होती है, जब आप बैठ करके खड़े होते हैं लोगों की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, इस तरह की आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो उसमें आपको क्या करना है, बटर लेना है 1 चम्मच, और 1 ही चम्मच आपको मिश्री लेनी है, धागे वाली मिश्री। और बटर हो सके तो घर का ही यूज़ करना, ना मिले तो आप बाहर का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों को अच्छे से मिक्स करके और उसे खा लें। कब खाना है, दिन में किसी भी टाइम खा लें, आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन किसी किसी को घी या बटर ये चीज़ें सूट नहीं करती हैं, तो उनको क्या करना है, 1 ग्लास यानी 250 ग्राम दूध लेना है, उसमें 2 से 3 जो धागे हैं केसर के वो ले लेने हैं, और दूध में डाल करके उन्हें अच्छे से उबाल लेना है,
और जब दूध उबल जाए और उस केसर का अर्क उसमें आ जाए तब उसमें मिश्री डाल लेनी है, धागे वाली मिश्री। तो इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ये इन दोनों उपायों में से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने लो और हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हमें ये सारी चीजें ना करनी पड़े और हमारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल ही नॉर्मल रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर जा सकते हैं जहाँ पर आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलते हैं। वहाँ से आप लोग बैद्यनाथ की अर्जुना रिस्ट ला सकते हैं और 2 ढक्कन सुबह खाना खाने के बाद उसमें 2 ढक्कन पानी मिला करके और उसे पी सकते हैं, और रात को 2 ढक्कन पानी मिलाकर सिरप है वो पी सकते हैं। तो इससे आपका लो ब्लड प्रेशर हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, दोनों ही ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगेंगे। तो आप इनमें से कोई भी रेमेडी अपना सकते हैं और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से मुक्ति पा सकते हैं। मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बता देती हूँ कि जब आपको लो ब्लड प्रेशर हो रहा हो तो आपको क्या करना है। आपको ये जो लास्ट वाली उंगली है और जो आपकी ये वाली रिंग फिंगर है, इन पर तेल लगा लेना है, और तेल लगाने के बाद इस तरह से मसाज देनी है 15 से 20 बार। तो इससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। एक तो इस तरह से मसाज करनी है, और दूसरा क्या करना है आपको, ये 4 उंगल छोड़ने के बाद यहाँ पर ऐसे करके प्रेशर देना है अंगूठे और उंगली की सहायता से, जिस टाइम आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा हो, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से आप लो ब्लड प्रेशर हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, उसकी प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। ये वीडियो इतनी ही थी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। कमेंट में ये ज़रूर बताना कि मेरी रेमेडी से आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो कि हाई और लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से हैं परेशान। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।